गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी। हिंदी में अभी तक हमने कौन से लेटर सीखे हैं? अ से अनार, आ से आम, ई से इमली। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं बड़ा ई। कल हमने सीखा था छोटा ई, ई से इमली। तो आज हम सीखेंगे बड़ा ई। तो चलो बच्चों, पहले अभी हम देखेंगे अ आ ई, उसके बाद हम सीखेंगे ई, बड़ा ई। तो बच्चों, यहाँ पे आपको चित्र और अक्षर दिखाई दे रहा है। देखो, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली। तो हमने ये तीनों अक्षर को क्या किया है? पढ़ा है। तो आज हम सीखेंगे बड़ा ई। तो बच्चों, क्या आप रेडी हो? हाँ, तो चलो अभी हम सीखेंगे बड़ा ई। बड़ा ई से कौन सा चित्र है अभी वह हम देखेंगे और उसे किस प्रकार हमें लिखना है। तो बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? ये जो उस है इसे हम मराठी में उस बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हम इसे कहते हैं ईक। यह क्या है हिंदी में? ईक। और मराठी में हम इसे कहते हैं ऊस। तो अभी हम देखेंगे बड़ा ई का अक्षर। तो बच्चों, यह है बड़ा ई। ई से ईक। तो अभी हम अक्षर और पिक्चर को साथ में पढ़ेंगे। तो यह है बड़ा ई। ई से ईक। यह पिक्चर दिया हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? ईक। ईक मीन्स उस, आप लोग बोलते हैं मराठी में। तो बच्चों, इसे कैसे पढ़ना है? ई से ईक। ई से ईक। तभी हम इसको हमारे नोटबुक में लिखते हैं। यह अक्षर अभी हम हमारे नोटबुक में लिखेंगे, इसे हम कहते हैं बड़ा ई। ई से ईक। तो चलो अभी हम लिखते हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार हमने छोटा ई लिखा है ई से इमली, उसी प्रकार हमें अभी बड़ा ई भी लिखना है। ई से ईक। ई से ईक। तो बच्चों, इस प्रकार हमको बड़ा ई लिखना है। ई से ईक। ई से ईक।
तो इस प्रकार हमको इसे एक लिखना है। यह है बड़ा ई, ई से ईक, ई से ईक, ई से ईक। होमवर्क वन टाइम। तो इस प्रकार बच्चों आपको ई से ईक लिखना है। तो आज हमने क्या सीखा? ई से ईक। थैंक यू।